वजन कम करना मुश्किल काम है, लेकिन मैं आपको कहूँ कि घर पर बैठे बैठे वजन कम हो सकता है। सिर्फ आपको करना है मेरे द्वारा बताए गए फूड का सेवन। तो चलिए जानते हैं क्या है वो चीजें। चुकंदर यानी कि बीट रूट। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार चुकंदर की 100 ग्राम सर्विंग में सिर्फ 43% कैलोरी और 0.2 ग्राम फैट और 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। वजन कम करने के अलावा चुकंदर के बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ और भी है। सर्दियों में गाजर की खूब पैदावार होती है। यह स्वाद में थोड़ी मीठी होती है और पोषक तत्वों से भरपूर भी होती है। गाजर में कई फाइबर और कम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिसकी वजह से यह वजन कम करने वालों के लिए बेहतर विकल्प है। विंटर ग्रीन्स यानी कि वजन कम करने के लिए आपको अपनी डाइट में फाइबर की मात्रा बढ़ानी चाहिए। इसके लिए हाई फाइबर वाले खाद्य पदार्थ जैसे पत्तेदार सब्जियां शामिल करने चाहिए। पालक, सरसों के पत्ते और मेथी के पत्ते जैसी सब्जियां आपके वजन कम कर सकती है, क्योंकि इनमें बहुत कम कैलोरी होती है। मूली। मूली एक कम कैलोरी वाली सब्जी है जो बहुत सारा फाइबर भी देती है। फाइबर का मतलब है अच्छा पाचन और कम पेट की चर्बी। मूली पेट साफ करती है और पाचन को दुरुस्त बनाती है। साथ ही यह कब्ज और अपच जैसी समस्या से भी राहत देती है। अमरूद। अमरूद में फाइबर की मात्रा अधिक होती है। इससे रोजाना की जरूरत का लगभग 12% फाइबर पाया जाता है। सर्दियों में इस रसीले और मुलायम फल का सेवन करें और वजन कम करने में मदद पाए। यह लो कैलोरी फूड पाचन और चयापचय को बेहतर करने में सहायक है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे हेल्दी।